नमस्कार, स्वागत है आपका एमकेएन में। मैं हूं प्राची मेहरा और वक्त हो चला है बुलेटिन का। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजस्थान पंचायती राज चुनाव की मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतगणना में महज 24 घंटे बाकी है। उम्मीदवार बेचैन हैं, सियासत ने उन्हें बाड़े बंदी में कैद कर दिया है। कहीं टाइम पास करने के लिए गीत गाए जा रहे हैं तो कहीं भजनों का दौर चल रहा है। चुनावों को लेकर मरुधरा में सियासी पर्यटन पूरे परवान पर है। धर्मस्थलों से लेकर पिकनिक स्पॉट्स तक सियासी पर्यटन से सरोबार है। मरुधरा की सियासी फिजा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के गीत गुनगुना रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के राजनीतिक सुरमा चुनाव में एक दूसरे को पटखनी देने का दावा कर रहे हैं। पिछले तीन दिन से घर बार छोड़ खाटू श्याम जी में बाड़ेबंदी में बंद सांभर और रेनवाल पंचायत समिति की महिला कांग्रेस उम्मीदवार प्रभु श्याम से लेकर बालाजी महाराज के हरी जग गा रही हैं। साथ ही जीत की प्रार्थना भी कर रही है। कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह से प्रशिक्षण करार दे रहे हैं और बाड़ेबंदी का दोष बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। काउंटिंग शनिवार को होनी है। इससे पहले उम्मीदवारों को बाड़ों में बंद कर दिया गया है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर समेत जोधपुर और सिरोही तक यही माहौल है।